खरगोन शहर की न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बीती रात शादी समारोह में खाना खाने से 45 से अधिक लोग उल्टी दस्त फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक एक के बाद एक पीड़ित अस्पताल पहुंचने लगे, जिससे अस्पताल महकमे में अफरा तफरी मच गई। प्रशासनिक अधिकारियों को भी सूचना की गई। चिकित्सकों के मुताबिक सभी फूड पॉइजनिंग के शिकार मरीजों ने शादी समारोह में सब्जी पूरी पकौड़े पनीर की सब्जी के अलावा दूध से बना फ्रूट कस्टर्ड खाया था। देर रात उल्टी दस्त की शिकायत के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बीमार मरीज में महिलाएं पुरुष सहित बच्चे भी शामिल हैं। उपचार के बाद सभी मरीजों की हालत में सुधार है और रविवार सुबह कई मरीजों को छुट्टी दे दी गई। मरीजों में रिश्तेदारों सहित कॉलोनी वासी शामिल हैं। मिली जानकारी अनुसार खरगोन के न्यू हाउसिंग बोर्ड में मोहनलाल पाटीदार के यहाँ शादी समारोह में बीती रात खाना खाने के बाद सभी मरीजों की देर रात उल्टी दस्त के शिकार हुए। पीड़ित मरीज राजेंद्र कुमार बागदरे ने बताया कि दूध से बने फ्रूट कस्टर्ड खाने के बाद देर रात करीब 12:30 बजे से 1 बजे के बीच अचानक उल्टी दस्त होने लगी। 40 से अधिक लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उपचार के बाद अब आराम मिला है। सुबह SDM ने भी अस्पताल का दौरा कर मरीजों के हाल जाने। SDM ओम नारायण सिंह ने बताया सभी मरीजों की हालत ठीक है। कलेक्टर ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। खाद्य सामग्री की जांच करवाएंगे। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। रात को सिविल सर्जन ने तुरंत इशू उठा था करीब 1:30 बजे कि यहीं पास ही में जतापुर के पास न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में कोई विवाह समारोह था। वहाँ पर खाद में कुछ वाइट लिक्विड था, कस्टर्ड या जो भी है, और खाने के कारण बोले उनको फूड पॉइजनिंग हुआ। तो करीब 1:30 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक करीब 41 लोग एडमिट किए गए थे। ऊपर 6 बच्चे और नीचे अभी एक वृद्ध और 2 लड़के, करीब 9 लोग बचे हुए हैं। बाकी के 32 लोग को मॉर्निंग में डिस्चार्ज कर दिया गया है और सभी की हालत नॉर्मल है। सभी छुट्टी चाहते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। और जो भी जांच वगैरह है कर दी गई है। FSO को भी सूचित कर दिया है। कलेक्टर महोदय ने तुरंत आदेश मुझे दिया था कि अस्पताल जाकर के देखें और कलेक्टर SP को इस सब की जानकारी है। इसमें कुछ खाद्य सामग्री जांच भी कराई जाएगी? हाँ, क्यों नहीं, जो भी होगा उसमें विजिलेंस में होंगे। जो भी कलेक्टर महोदय कहेंगे हम उस खाद्य सामग्री को जांच करा देंगे, जहाँ से क्रैक हुई है उसको दिखवा देंगे। किसके शादी हुई थी, कहाँ पे? मेरे दोस्त के लड़के की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी खरगोन में। खरगोन में क्या हुआ? वहाँ शादी थी, खाना वाना खाया। खाने के बाद में मैं 8:30-9 बजे ड्यूटी निकल गया। ड्यूटी भी गया, 6:30 पॉइंट पे पहुंच गया। 12:00-1 बजे बाद में पेट गड़बड़ और दस्त, ये समस्या है। कितने लोग थे तकरीबन शादी में? शादी में कम से कम होंगे 200-300 बने। 300 के आसपास? हाँ, 200-250। क्या खाया था? मैंने तो क्या पूरी खाई थी, थोड़े भजे खाए थे और मिठाई थोड़ी खाई थी, और वो क्या वो राइट। हाँ भाई, तबीयत कब खराब हो गई? तबीयत तो मेरी 12 बजे के बाद में, खाना के 2-3 घंटे बाद। क्या लोगों को लाए होंगे यहाँ पर? मैं तो सर अभी मैं तो ड्यूटी निकल गया था, मैं तो अभी आया हूँ। नहीं, क्या नाम? मेरा नाम मुकेश पवार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।